₹500 का वड़ा पाव। और फाइनली हमारे चहेते 5-स्टार होटल ललित में मैं ट्राई करने वाला हूँ ₹10,000 का वड़ा पाव। ये है ₹10,000 का वड़ा पाव। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली से मुंबई ट्राई करने चीप वर्सेस एक्सपेंसिव वड़ा पाव। वड़ा पाव मुंबई वालों के लिए खाना नहीं है बल्कि एक इमोशन है, इमोशन। और इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ आज के दिन का सबसे सस्ता वड़ा पाव ट्राई करवाने एक ऐसी दुकान पर जिसने मुंबई में शायद वड़ा पाव की शुरुआत तो नहीं करी थी लेकिन आज ये मुंबई में वन ऑफ द पॉपुलर और सबसे सस्ता वड़ा पाव का स्टॉल चला रहे हैं। जहाँ कई हाइप दुकानें ₹25 में वड़ा पाव बेचते हैं वहां पर ये दुकान आज भी ₹12 में वड़ा पाव बेचती है। और बच्चे, अगर छोटे स्कूल के बच्चे इनके पास आते हैं ना तो उनको 12 में वड़ा पाव नहीं देते, उनको 5 या 3 रुपए में वड़ा पाव देते हैं। 2023 की बात कर रहा हूँ, 5 रुपए में वड़ा पाव कैसे पॉसिबल है इतने सस्ते में इतना बढ़िया डेस देना, आज आप बात करते हैं। क्यों खिलाते हो इतने सस्ते में? आप उन्हें, आपने उनकी अलग कढ़ाई रख रखी है, हल्के वाला तेल डालते हो ऐसे? मैंने साधना स्कूल में 20 साल कैंटीन चलाया था, तो 15-16 साल कैंटीन चलाया, उसके बाद कैंटीन छूट गया दोनों हाथ तक, 3-4 महीना घर में बैठा था। गरीबी क्या चीज है वो मैं देखा हूँ, हमारे बच्चे देखे हैं। 5:30-6 बजे जब ये स्कूल से लेने के लिए आता था बच्चे लोग को, छोटे छोटे, तो वो लोग बोलता था पापा भूख लगा है, तो मैं एक कोड़ा लेता था और एक लाती पाव। वो टाइम पाव कितने का आता था? 3 रुपये का आता था। तो 6 पाव के अंदर थोड़ा थोड़ा भाजी डाल के वो लोग को खिला के लेके आता था, ऐसा हुआ। इसलिए फिर उसको मैंने बोला कि काम करने का, स्कूल का यूनिफॉर्म में कोई भी बच्चा आवे अपने धंधे पे काउंटर पे उसको वापिस नहीं करना। अरे क्या बात है गाइस, अब इतना सस्ता वड़ा पाव मिल रहा है और अंकल इतने दिल से खिला रहे हैं तो मेरे को लगता है कि हमारी तरफ से भी कुछ करना बनता है। बच्चों, हमारी तरफ से 2-2 वड़ा पाव सबके फ्री। रेडी हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी फेवरेट दुकान कौन सी है मुंबई में टू ईट वड़ा पाव। 5-स्टार होटल ललित तो नहीं? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है यार। मुंबई की बारिश में गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने का मजा ही कुछ और है। अरे बारिश होकर रही है, अबे अभी तो हो रही थी। मुंबई की बारिश और दिल्ली की लड़कियां, कब रंग बदल जाए पता ही नहीं चलता। और गाइस, वैसे ये वड़ा पाव केवल और केवल 12 रुपए का है। मैं जानने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि भाई इस वड़ा पाव में और हमारे 5-स्टार होटल ललित के 10,000 रुपए के वड़ा पाव में आखिरकार क्या डिफरेंस होगा। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। वड़ा पाव ट्राई करते हैं। आपको पता है आपका फेस ऐसा कब बनता है और ये ऑर्गेजम वाली, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आपको कब आती है? जब टेस्ट आपके टेस्ट बर्ड पे बिल्कुल परफेक्टली हिट होता है। और मेरे ख्याल से ये वड़ा पाव बिल्कुल वैसा ही है। पहली बाइट के बाद मुझसे ना रुका नहीं जा रहा यार, भाई माँ की कसम बोल रहा हूँ, मेरे को ये वड़ा पाव ना बहुत ज्यादा पसंद आया, मजा आया। इनफैक्ट मैंने मुंबई में और जितनी जगह पे खाया ना उससे ज्यादा मेरे को यहाँ पे पसंद आया। साथ ही साथ इनकी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि कैसे इनकी जॉब चली गई, उसके बाद ये छोटे बच्चों को आज भी घाटे में खिलाते हैं, तो भाई मेरे ख्याल से इनको सपोर्ट करना तो बनता है। कोई आना चाहते है तो किधर पड़ती है आपकी दुकान? साइंस सर्कल, साइंस सर्कल इंद्रपुरी बिल्डिंग नीचे, विजय सेल्स के सामने। विजय सेल्स के सामने मेरे ख्याल से 5-स्टार होटल ललित के लिए इसको बीट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन क्या है इसको बीट कर पाएगा, चलो साथ में पता लगाते हैं। मुंबई का सबसे सस्ता वड़ा पाव खाने के बाद मैं दिन का सबसे महंगा वड़ा पाव खाने आया हूँ जनता की भारी डिमांड पर। मतलब जितने वोट्स ना एलविश यादव को बिग बॉस में नहीं मिले थे, करोगे सिस्टम हमारे साथ, उतने हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स है यहाँ पर आने के लिए। तो भाइयों और उनकी बहनों, ये है मुंबई का ललित होटल। अच्छा गाइस, ये जगह बेचती है मुंबई का सबसे महंगा वड़ा पाव, लेकिन हम यहाँ पर केवल वड़ा पाव नहीं ट्राई करेंगे बल्कि यहाँ की लग्जरी भी देखेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज हमें ऑफर कर रहे हैं और क्या हमारा वो 10,000 रुपए का वड़ा पाव खाना यहाँ पर वर्थ होगा और बेटर होगा हमारे चीपेस्ट वाले वड़ा पाव से। ए, सफेद कपड़ा, ओ! अंदर चल के पता लगाते हैं। बस मेरे को डर ये है कि ये हमें जूते मार के बाहर ना निकाल दे, क्योंकि दिल्ली वाले में तो हमारी एंट्री बैन है। मतलब कभी गए नहीं तो फिर पता भी नहीं, और इस डर में कभी जाते भी नहीं कि साला सही में जूते ना पड़ जाए। इस रिस्क उठाने के लिए कम से कम 1,00,000 लाइक्स तो बनते हैं। टोपी जो थोड़ा तो अलग लगूं, क्या पता ये भी अनुष्का शर्मा की तरह बेवकूफ हो और मेरी टोपी पहनते ही मेरी शक्ल भूल जाए। रब ने बना दी जोड़ी वाली। बट बैठ,
दरवाजे पे ललित होटल के स्टाफ और सिक्योरिटी को देखकर मुझे तो अपने पुराने सारे पाप याद आ गए थे। क्या है भाई, इसकी पैटी का पैटा मारूं? गाइस मेरे को लगता है मेरा हो गया, फिर से लग गया है चूना। भाई बहुत बेकार, मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया। पर सरप्राइजिंगली बटर के माफिक बिना किसी रोक टोक मुझे तो होटल में एंट्री मिल गई। अब गाइस आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, तो पिछली 100 में से 102 दफा मुझे ललित के खाने ने निराश किया था, लेकिन इस होटल की ब्यूटी को देखकर मेरा तो भाई नजरिया ही चेंज हो गया। चकाचौंध देख रहा है, सीलिंग देख रहा है, कहाँ है, हमारी औकात से बहुत ऊपर। सही बात है गाइस, ये 5-स्टार होटल ना, एक्चुअली मैं घुसते ही मेरे को ये तो समझ में आ गया, ये 5-स्टार कहलाने के लायक तो है, जगह तो बहुत सही लग रही है, खाना कैसा है, पर्क्स और हमें क्या क्या मिल रहे हैं ये रूम में चल के पता लगाते हैं। तेरे मेरे करियर से ज्यादा चमक रही है यहाँ की सीढ़ियाँ। गाइस ये होटल कम एक राजा महाराजा का पैलेस ज्यादा लग रहा है। सुन ली राय एक बार में, कहीं तो ललित में चलो। अरे खोलो भाई कमरा, चलो शुक्र है भाई, कमरा देखते हैं हमारा कमरा कैसा। यार पहला जो विजुअल है ना वो डिसअपॉइंटिंग तो नहीं, बालकनी का व्यू भी बढ़िया है यार। चलो और देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड टेम्परेचर है, किंग साइज बेड है, कबर्ड है, सोनी ब्राविया, ओ बहन 1,00,000 का टीवी लगा रखा है कमरे में। टाट हटा टकले, तेरी टाट आ रही है। तो भाई ललित के इस कमरे को तो मैंने पास कर दिया था, लेकिन अब चेकआउट मारने का समय था इस होटल की बाकी लग्जरीज को। तो गाइस ये है ललित का पूल सेक्शन। पानी कितना ब्लू है यार। तो पूल का पानी ब्लू ही होता है, हरा थोड़ी होता है, नाला थोड़ी है। मुंबई के समुद्र को देख लो, मुंबई वाले सालों अपने ही समुद्र की बैंड बजा रखी है यार। गाइस एक वियर चीज बताऊं? हाँ बोलिए ना। यहाँ पर हिज और हर का पूल अलग है। हैं? हाँ। लड़के लड़कियों का पूल अलग है? हाँ। पूल है बहन, जो सरकारी स्कूल है। मजाक था गाइस, मजाक था। इसका मजाक किसी को समझ नहीं आता, लेकिन मजाक था। बाकी पूल में मेरे नहाने के एक्सक्लूसिव शॉट्स देखना चाहते हो तो इस चैनल की मेंबरशिप खरीद लो, पर्सनल में एक्सक्लूसिव शॉट्स दिखाऊंगा। पूल सेक्शन भी सुंदर है यार, कोई भी चीज अभी तक मुझे देखो अभी तक तो डिसअपॉइंटिंग नहीं लग रही। वो पता क्यों नहीं लग रही, क्योंकि अभी तक बड़ा बॉक्स नहीं आया ना। आई एम सॉरी बाबू। पता है गाइस सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वैसे राहुल मैं समझ गया हूँ, पता है क्या चक्कर है, ये जो मैंने टोपी पहनी है ना, जैसे रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का शर्मा, उसको पहचान नहीं पाई थी ना टोपी पहनने के बाद, तो मेरे को Are you sure about that? मेरा मन कर रहा है पता है उनसे पूछने का कि यार आप मुझे नहीं पहचानते क्या, कम ऑन आप मेरे को एक बार देखो। पहचान गया ना, लात मात निकाल देगा। बोलेगा ये रखो अपने पैसे और निकलो अपने घर। आई एम डेस्परेट फॉर अटेंशन। और फिर फाइनली आई गॉट व्हाट आई वांटेड। देखा हुआ लग रहा है। सही बताओ। हां आयुष भाई। थोड़ा इधर फैटी दिख रहे हो, उसमें थोड़ा गजब बेइज्जती है। कौन सी वीडियो देखी है? बहुत सारी देखी है। तो ललित के तो वो थी निकाल। अच्छा वो देखी है? आपकी क्या फीलिंग होती है जब आप वीडियो देखते हो? जेन्युइनली बोलेंगे ना, ऐसे थोड़ी बुरा लगता है। इसमें क्या गेस्ट का रिव्यूज आना तो बेस्ट है, रिव्यूज के बिना थोड़ी है। क्या बात है यार, चर्चा होती है आपस में 2-3 लोगों के बीच में बैठ के कि यार ये टाइम ही नहीं मिलता है इतना। भाई विशाल भाई मजा आया। फाइनली मेरे बेचैन दिल को अब जाके करा रहा है कि चलो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है हमारे काम। और ये जान के मेरे को हैरानी हुई कि डेड ऑन की शिट, ठीक है। और वो इस चीज़ को लेकर भी अप्रिशिएटिव है कि हाँ आपको नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, हम क्या कर सकते हैं। ये जो डेजर्ट दिख रहा है ना, इतनी मीठी बात कर दी आज उन्होंने, दिल जीत लिया। ये बात तो है। इस वीडियो पर 1,00,000 लाइक्स कर दीजिए, फिर हम दिल्ली वाले ललित होटल चलेंगे। कहाँ है महंगाई? भाई जितने पैसों में मैं पूरे साल वड़ा पाव खा सकता हूँ, इतने पैसे खर्च करके, मतलब 10,000 रुपए खर्च करके मैं खाने वाला हूँ होटल ललित का ये आलिशान वड़ा पाव। ओ भाई साहब पैकेजिंग भी वैसी नहीं आया है यार। Nevertheless, भाई मेरे को ये 10,000 का पड़ा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टे करा है। मतलब आप लोगों को यहाँ की लग्जरी दिखाने के चक्कर में ना मेरा मोटा बिल बैठ जाता है यार। ट्राई करें। सही तो है, ठीक कहा है, ठीक कहा है। ये है दो बन, साथ में ये है जो चटनी का है। अच्छा चटनी साथ में मिली है। गाइस मेरे ख्याल से इसकी सीरत आपको बता देगी कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। और पहली चीज मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूँ, सिंस इसमें ना इमली वाली वो सॉल्ट वाली चटनी नहीं आई।
So guys, finally, मैं ललित होटल में पहली बारी कोई खाना ट्राई करने जा रहा हूँ एंड दिस इज द ललित होटल 10,000 रुपए का बनाता Interesting. यार मेरे ख्याल से आज का दिन ना ललित की हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, बहुत ही नया। ये वड़ा पाव एक्चुअली में काफी टेस्टी है। गुड वर्क। शायद हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में ही सारे घपले हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई में तो मेरा एक्सपीरियंस ना वड़ा पाव इज वेरी टेस्टी। जो चीज मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, देखो मुंबई वाले हैं यार, इन लोगों को वड़ा पाव बनाना तो आता ही आता है, चाहे और कुछ बनाना आए ना आए। आज की वीडियो से गाइस हमें क्या सीखने को मिलता है, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो चीप वाली लोकेशन में है ना, वहाँ पे इमोशन है, वहाँ पे प्यार है, वहाँ पे उन बच्चों की खुशी है जिनको 5 रुपए में वड़ा पाव खाने को मिलता है। जो रोड पे भी सोता है ना, वो भी कहीं ना कहीं से 10 रुपए अरेंज करके उस दुकान से वड़ा पाव खा सकता है। वो इतनी दिल छू लेने वाली जगह है। सेकेंड हैंड ये उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रीट फूड को थोड़ा अनहाइजीनिक समझते हैं और लग्जरी में बिलीव करते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ललित का ये वड़ा पाव बना है। तो आज की वीडियो के विजेता बनते हैं ये दोनों। बाकी अगली वीडियो के लिए आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस। बाय बाय। क्या पागल है क्या? मेरा IQ बहुत हाई था।